सर, बंगाल में जिस तरीके से डॉक्टरों के साथ घटना हुई उसके बाद देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है। आप लोगों ने भी मतलब उसके समर्थन में काला पिल लगाया हुआ है, कई जगहों पे कामकाज पूरी तरीके से रोक दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरी घटना को? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। चिकित्सक के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना और वहाँ के जो सरकार हैं उनके द्वारा भी एप्रोप्रिएट एक्शन न लेकर के और उसको जस्टिफाई करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि इससे जनता और को बहुत परेशानी होती है। चिकित्सक को अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं और एक लोकतंत्र में सबों को सुरक्षा देना सरकार का कर्तव्य अधिक होता है। और वैसे विशेष स्थानों पे जहाँ की आईसीयू है या जहाँ क्रिटिकलिटी है वहाँ मॉर्टलिटी हाई रहती है, वहाँ पर और विशेष सुरक्षा की इंतजाम बात किए जाने चाहिए, जिसमें कि सुरक्षा का माहौल रहे, उसमें भयमुक्त वातावरण में सभी लोग कार्य कर पाएँ। वैसे में कार्य की जो क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होती है, और केवल इसकी डिमांड ही थी चिकित्सकों की, लेकिन उस पर भी सरकार के द्वारा एप्रोप्रिएट बातें नहीं बोल करके, इसलिए शिक्षक चिकित्सकों में क्षोभ है और थोड़ा उदासी है। और इसलिए हम लोग सब लोग आज एक प्रतिशोध दिवस मना रहे हैं कि कम से कम सरकार हम लोग की जेन्युइन डिमांड पर भी ध्यान दे और सुरक्षा का वातावरण तैयार करे। केवल चिकित्सक ही नहीं, जितने भी क्रिटिकल क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, पत्रकार हैं, पुलिस हैं, सबों को एक सुरक्षा का माहौल के अंदर ही कार्य करने की आवश्यकता है, और तभी वो अपना कार्य भी स्वतंत्र रूप से अच्छे से कर पाएंगे। और इससे अल्टीमेटली जनता को ही फायदा है, और जनता के प्रॉब्लम होने से सबों को प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम सभी लोग यहाँ पर आज प्रतिशोध दिवस मना रहे हैं।